अगर आप किसी से भी पूछें कि उसने भगवान को देखा है तो लगभग सभी का जवाब होगा भगवान, वो भी कलयुग में, असंभव। बट अगर आप ये सवाल किसी जैन से पूछें तो उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा कि उसने हंसते बोलते 108 गुरुवर विद्यासागर महाराज को देखा है, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 यानी आज के दिन शरद पूर्णिमा को हुआ था। जिनके जन्म से जैन समुदाय के लिए शरद पूर्णिमा भी एक बहुत बड़ा त्यौहार बन गया। जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में घर परिवार कपड़े सब कुछ छोड़कर मुनि दीक्षा ले ली थी। और इनकी दूरदर्शिता केवल जैन समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत का नाम रोशन कर रही है। जैसे हथकरघा, जिसमें पूरी तरह पारंपरिक तरीके से हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, जो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। सेकंड, जिसमें लड़कियों को शिक्षा देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए 5 शहरों में प्रतिभा स्थली CBSE स्कूल्स खोले गए हैं। थर्ड, पूर्णायु आयुर्वेद हॉस्पिटल जबलपुर, जहां लगभग हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद से किया जाता है और वो भी बिल्कुल कम प्राइस में। ऐसे अद्भुत गुरुवर विद्यासागर महाराज जी को मेरा नमस्तु। प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि लोगों को भी इस बारे में पता चले। जय जिनेंद्र।